वही भूमिका में ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं पीपल कॉट चीटिंग ऑन कैमरा पार्ट टू। आइए दोस्तों आपको सबसे पहले भाई इन जनाब से मिलवाते हैं जो पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट ये बोल करके भाई हम तो यहाँ के नए कलेक्टर हैं। और उन्होंने भाई वहाँ पहुंचकर पुलिस वालों को अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए बोला कि मुझे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है और मैं सबका कलेक्टर हूँ, इसलिए मुझे मेरा ऑफिस दिखाओ। पुलिस वालों ने सोचा कि भाई ये तो कलेक्टर है और उन्होंने बड़ी ही तमीज से बात की, लेकिन तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि भाई ये तो नकली कलेक्टर है। इसके बाद पुलिस वालों ने सब पकड़ लिया, लेकिन वो पुलिस वालों से बचकर भागने में कामयाब हो गया। जरा देखे मालिक क्या वो फिर से गायब हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति बाइक लेकर भाई सड़क से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी भाई उसके सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं और अपनी साइकिल उनकी बाइक के सामने फेंक देते हैं। इसके बाद बच्चे उस व्यक्ति को कहते हैं कि मुझे या तो साइकिल के पैसे दो या नई साइकिल ला कर दो, तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी इसलिए पापा मुझे मारेंगे। इसके बाद भाई कुछ और बच्चे भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो इस आदमी की बाइक को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। भाई वो तो अच्छा हुआ कि भाई ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना इस व्यक्ति को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। यू कैन इमेजिन। अब क्या है ये बीच में गिरा दिया तूने? हैं साले तू मेरे तो अपने पापा मारेंगे यार, तो साइकिल लेकर आ गए भाई, पापा मारेंगे भाई साइकिल लेकर आ गए, तो भाई वरना पैसे तो भाई नहीं साइकिल लेकर आ गए। सब क्या देखना पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। अब जरा दोस्तों एक नजर इस वीडियो पर भी डाल लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति लोगों को दिखा रहा है कि किस प्रकार मार्केट में नकली अंडे आ चुके हैं, और ये व्यक्ति जैसे ही इस अंडे को फोड़ने लगता है तो भाई ये अंडा फूटने में काफी टाइम लेता है। अंडा फूटने के बाद दोस्तों व्यक्ति दिखाता है कि इसमें प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है। इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो काफी ज्यादा मजबूत है और आसानी से भाई टूट भी नहीं रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अंडे के अंदर वाला भाग काफी ज्यादा लिक्विड की तरह होता है जो आसानी से बह जाता है। खैर दोस्तों आजकल लोग भाई पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों अमूल दूध भी अब मिलावट खोरों की नजर में आ चुका है और ये लोग भाई इसमें ही मिलावट करने लग गए हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग अमूल दूध के पाउच में से असली दूध निकाल लेते हैं और इसमें नकली और मिलावट वाला दूध मिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पाउच को कितनी सफाई के संग पैक करते हैं देखने वाले को इसके बारे में पता नहीं चलता और उसके संग हो जाता है फ्रॉड। सच में यार ऐसे लोग भाई पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के पैसों के साथ साथ सेहत के संग भी खिलवाड़ करते हैं, इसलिए दोस्तों अगली बार जब भी आप बाजार में सामान लेने जाएं तो बहुत ज्यादा सावधान रहें। आपको बताता हूं कि ये दूध में नकली दूध भरते कैसे हैं। अभी अमूल दूध का पैकेट उसको ध्यान से देखिए, ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है अमूल दूध के पैकेट का। पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से पैकेट को काट के इसमें से दूध निकाल के इसमें नकली दूध भरा हुआ है। पूरी पैकिंग कैसी है यहाँ से और यहाँ आने के बाद ये पैकिंग कैसी है। दोस्तों आजकल गैस सिलेंडर अमूमन हर भारतीय घरों में मिल जाते हैं, लेकिन अब इनके साथ भी भाई छिड़खानी होनी शुरू हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं व्यक्ति गैस वाले सिलेंडर में से पानी निकाल रहा है, यानी कि अब सिलेंडर में गैस के संग भाई पानी भी मिलाया जा रहा है। ये लोग भैया सिलेंडर में गैस के साथ पानी इसलिए मिलाते हैं ताकि सिलेंडर का जो वजन है वो पूरा हो सके और उन्हें गैस कम देनी पड़े। आपके पूरे देने के बावजूद भी इस तरह से खिलवाड़ की जाती है सिलेंडर के संग, आपको पूरी गैस नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों अगली बार जब भी आप गैस सिलेंडर लें तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप सिलेंडर ना लें। दोस्तों लोग केबीसी खेलकर भले ही करोड़पति ना बने, लेकिन इस फ्रॉड करने वालों ने तो भाई केबीसी के नाम पर हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया। जी हाँ दरअसल इसमें दोस्तों ये लोग सामने वाले को व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर कहते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं, इतने उतने जीत गए हैं, और जब आप इनसे कॉल पर बात करते हैं तो ये आपको टैक्स के रूप में 15 से 30 हजार की डिमांड करते हैं। बिल्कुल राइट है सर, आपका नंबर बिल्कुल बराबर मैच हो चुका है, सो आपके आपके पूरे परिवार को बधाई पेश करते हैं, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। प्यारे भाई ये लॉटरी आपको बैंक टू बैंक मिलेगी, बताइए कौन से बैंक से लेना चाहेंगे आप। प्यारे भाई आप ये टैक्स कहाँ से पे करोगे, फोन पे से, गूगल पे से, ऑनलाइन शॉप से, आप एटीएम से, पेटीएम से, कहाँ से पे करोगे? आपको कंपनी का वही अकाउंट दिया जाएगा। जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे आपका ओपीटी पिन कोड ओपन नहीं होगा, तो आपके खाते में पैसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ओके, और जब आप इन्हें कॉल करते हैं तो ये आपसे कहते हैं आपके ऊपर टैक्स लगेगा 15 से 30 हजार का, ये डिमांड करते हैं इस चीज की। इसके बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए ये आपको दोस्तों एक फेक वीडियो भेजेंगे और दिखाएंगे कि आपको जो पैसा है वो हमारे पास पड़ा है, बस आपको भेजने की देर है। नमस्कार, ये सर देखो अभी हमारे पास अनीता शर्मा का मैसेज है, ये उनके कहने पर आपको बैंक का वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं, आप खुद देख लो मेरे भाई, ये जो बैंक में पैसा पड़ा है सर अरबों खरबों के साथ पड़ा है, आप अकेले कस्टमर का नहीं पड़ा। आप ये जैसे टैक्स कंप्लीट करोगे 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आएगा,
या आप खुद देख लो अनीता शर्मा का भी मैसेज आया, उनके कहने पर आपको वीडियो बनाकर सेंड करें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, आप अपना टैक्स कंप्लीट करो, ठीक है। बैंक का वीडियो बनाना अलाउंड नहीं होता, ये तो ऊपर से मैसेज आया इसलिए आपको बनाकर सेंड करें, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको लवारी की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, ये लवारी खोल कर देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको विश्वास दिलाने के बाद भैया ये आपको बताते हैं कि जो मुकेश अंबानी है ना, वो आपकी फाइल पास करने के लिए आए हैं। जी नमस्कार, केबीसी हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, केबीसी की ओर से। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, केबीसी की ऑफिस की वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो मुकेश अंबानी जो जियो कंपनी के फाउंडर है ना, जो जियो कंपनी के मालिक हैं, वो लॉटरी के सिलसिले में अभी ऑफिस में मौजूद हैं। जिस जिस कस्टमर को लॉटरी का पैसा नहीं कैश हुआ, उनको ये लॉटरी का पैसा आज की डेट में कैश होगा। तो भाई अगली बार अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। वैसे क्या आपके पास कभी ऐसा कॉल आया है, जरा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अब जरा भाई एक नजर इस वीडियो पर भी डाल लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाएं सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर से ये कहकर पैसे मांग रही थी कि उन्हें अपनी साथी महिला को जो कि प्रेग्नेंट है उसे अस्पताल पहुंचाना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाई इस बाइक सवार ने महिलाओं की सहायता करने के लिए उनके लिए एक कैब बुक करवाने की बात कही। इस पर महिलाएं कहने लगे कि आप हमें पैसे दे दो, हम रिक्शा करके चले जाएंगे। लेकिन बात न बनती देखी तो भाई महिलाएं वहां से चुपचाप चलती बनी। जी हां, जरा आप भी देखिए। टैक्सी करवा रहा हूं, रुक जाओ। फिर दोस्त अब तो आप समझ गए होंगे कि ये महिलाएं जरूरतमंद नहीं थी बल्कि लोगों से पैसा लेने के लिए बहाने बना रही थी। वैसे आपका क्या सोचना है इस बारे में, जरा कमेंट कीजिए। ये महाशय भी अपने हाथ छिपाकर भाई सड़कों पर भीख मांगते हुए घूम रहे थे, लेकिन एक कार वाले को भाई महाशय पर शक हुआ और जनाब ने उसका कुर्ता उठाकर पर्दाफाश कर दिया। ऐसी दोस्तों एक और क्लिप आप यहाँ देखिए, इसमें एक व्यक्ति आपको दिखेगा जो अंदर हाथ डालकर भाई लोगों को इमोशनल करके इस तरह से पैसे ऐंठने की कोशिश में जुटा हुआ है। कितनी शर्म की बात है ना कि लोग भाई सही सलामत हाथ पर होते हुए भी इस तरह के काम करते हैं, जबकि वो चाहे तो मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमा सकते हैं पर नहीं। इस क्लिप में दोस्तों आप देखेंगे कि एक पब्लिक टॉयलेट के ठीक पीछे सब्जी बेचने वाला भाई एक शख्स टॉयलेट में गिरी हुई सब्जियां उठाकर इन्हें बेचने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि महाशय ने भाई पानी की बाल्टी तो भाई रखी हुई थी, लेकिन इससे उसने सब्जियों की बजाय सिर्फ अपने हाथ धोए। अब जरा आप सोचिए ऐसी सब्जियां खाने वाले जो लोग होंगे उनकी सेहत के संग कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। अब आप ही बताइए भाई, चंद पैसों के लालच में लोगों को टॉयलेट में गिरी हुई सब्जियों को बेचने का हक भाई किसने दिया, और ये कितनी हद तक बात सही है। मार्च 2021 में जब देश कोरोना का सामना कर रहा था, तब उस समय दोस्तों ये महिला आपदा का अफसर बनाकर पैसे छापने का काम कर रही थी। दरअसल दोस्तों ये महिला नकली पुलिस वाली बनकर सड़क पर बिना मास्क लगाकर जाने वाले लोगों को रोकती और उन्हें पुलिस का डर दिखाकर उनसे जबरन पैसे भी वसूलने का काम करती। वही दो महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन ये मोहतरमा असली पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गई। जी हाँ, इसके बाद पुलिस ने मोहतरमा को गिरफ्तार कर लिया और उचित कार्रवाई करते हुए भाई जेल भेज दिया। जरा आप भी देखे इस वीडियो को। रोक तो ये वर्दी किसने पहनाई तुमको? पुलिस वाले होकर डर क्यों रहे हो? कौन से थाने से हो? जावरा थाने से। जावरा कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र से मैं पास कर लेता हूँ ना। बेस नंबर क्या तुम्हारा? 46 सर। रुक जाओ, यही रुक जाओ, जाओ मत कहीं। आईडी बताओ अपना। आईडी बताओ। आईडी में साथ में नहीं कर रहे। अब एक नजर भैया जरा इस वीडियो पर भी डाल लीजिए, जिसमें से देखा गया है कि तीन लड़कियां क्लास में खड़ी होकर आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी। बात करते हुए इन तीनों ने आपस में एक प्लान बनाया और उसके बाद ये लड़कियां एक बेंच को उठाकर आगे रखती हैं। और ये क्या, मुझे तो यार इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ओहो हो हो, इनका इरादा तो भैया क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरा को बंद करने का है, लेकिन अब क्या हो सकता है, इनका चेहरा तो भैया सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पापा की परिया तो यार सच में पापा की परिया ही रहेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी हाँ कमेंट कीजिए बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।